मित्रों, सबसे पहले तो आज ईद का त्यौहार है, तो इस ईद के त्यौहार पर मैं आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। दूसरा, आज के इस पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से जिसलिए आप लोगों को बुलाकर मैंने जो बताना चाह रहा हूँ मैं, कि जैसे हम देख रहे हैं कल मानसून सत्र केंद्र यानी संसदीय सत्र जो शुरू हो गया है, और उसमें कल के घटनाक्रम से जो चीज़ें निकल करके आई वो बहुत ही एक प्रकार की चिंता पैदा करने वाली हैं, बहुत ही एक प्रकार से ध्यान आकर्षण करने वाली है। इस बार के मानसून सत्र में आखिर संकेत पहले मिलते हैं कि किन किन बातों को लेकर के चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, पिछले वर्ग के लिए कुछ योजनाओं पर चर्चा ज़रूर लोकसभा के सेशन में होनी थी, होनी भी है अभी, और उसमें कई प्रकार की बातें उनके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आने वाली हैं, ऐसा जो पहले से इंगित है। लेकिन विरोधी पक्ष कांग्रेस का एक हमेशा एक टारगेट रहा है कि कभी भी देश में कोई अच्छी बात होने की संभावना हो तो उससे पहले कुछ ताकतों के साथ मिल करके उन चीज़ों को कैसे डिरेल करना है, प्रारंभ में ही उसके ऊपर कोई ना कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जाए। तो जिस प्रकार कल उन्होंने ये सब किया है कि एक कंपनी है पेगासस, जिसकी मदर कंपनी NSO है, उनके माध्यम से जो जासूसी और फोन टैपिंग की बात चलाई गई है, वास्तव में तो कांग्रेस का एक चरित्र रहा है कि जैसे वो खुद हैं ऐसा ही वो सबके ऊपर लांछन लगाने की बातें करते हैं, क्योंकि उनका इतिहास भरा पड़ा है जब अपने UPA के कार्यकाल में ये सब वो करते रहे, न केवल विपक्षी दल के लोगों के साथ बल्कि उनका तो अपना घर भी इन चीज़ों से भरा हुआ है कि अपने ही लोगों की फोन टेपिंग, अपने ही लोगों की जासूसी ये सब वो कराते रहे हैं। उनको लगता है कि शायद सभी ऐसा करते होंगे, जबकि हमारी सरकार का किसी प्रकार का दूर दूर तक इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। और उनके यहाँ का इतिहास तो ये है कि आपको ध्यान में होगा, एक बार उस समय के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने, जो उस समय के गृह मंत्री थे पी चिदंबरम, उनके खिलाफ कितना एक सीरियस एक खतरनाक पत्र लिखा था कि गृह मंत्री वित्त मंत्री के फोन टेपिंग करा रहे हैं, कैसे चंद्रशेखर की सरकार को दो जासूसों की कहानी बनाकर कैसे गिरा दिया गया है। कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। 9000 लोगों की ऐसी एक लिस्ट है जो UPA के समय जिन लोगों की फोन टेपिंग होती रही, 9000। तो ये इतिहास भरा पड़ा उनका, क्योंकि उनको किसी पर भरोसा ही नहीं रहता है, लोकतांत्रिक तरीकों से चीज़ों को चलाने का उनका विश्वास नहीं है। लोकतंत्र की हत्या कैसे की जाती है ये इमरजेंसी में हमने देखा है, ये भी उसी कांग्रेस के कारनामों की एक उदाहरण है। जासूसी में उन्होंने अपने जो साथी उनके थे, चाहे वो सीताराम येचुरी वामपंथी नेता हैं, जयललिता हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, ममता बनर्जी हैं, उनके फोन टेपिंग उन्होंने कराई, इनकी शिकायतें रही हमेशा। जब न्यूक्लियर डील था उस समय अमर सिंह की फोन टेप कॉल्स ये इन्होंने कराई है, अमर सिंह ने खुलकर शिकायतें की कि मेरे फोन कॉल्स को टेप किया जा रहा है। तो ये इनकी संस्कृति रही है, इस संस्कृति से बाहर नहीं निकले हैं, और जब भी कोई, इनका टाइमिंग बड़ा सेट होता है, इस टाइमिंग में जब इनको लगता है कि आज हमें और कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि इस समय नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार का पिछले 7 साल से 8 साल से कार्यकाल जो अब पूरा हो रहा है, इसमें इनको कुछ नहीं मिला है, जनता हित की, राष्ट्रवादी विचारधारा की
एक सरकार चल रही है, और इसमें खास करके वो भी जब षड्यंत्र रचते हैं तो विदेशी सहायता लेकर रचते हैं। यानी अब ये अगर हम पेगासस देखें तो एक दिन पहले 18 तारीख को एक स्टोरी ये लीक कराई जाती है द वायर के माध्यम से, और ये द वायर भी ये वामपंथी पत्र है, वामपंथियों का एक इस प्रकार का एक बना हुआ है नक्सस। और उससे पहले कुछ दिन पहले यूरोप के अंदर एमनेस्टी नाम की जो संस्था है वो अपने वेबसाइट के ऊपर इन कहानियों को चलाती है। एमनेस्टी ने वहां से छापा, यहां वायर ने पकड़ लिया और वायर ने उठा करके ये विषय उड़ा दिया कि यहां तो पता नहीं कितने लोगों की सारी फोन टैपिंग हो रही है और उनके मंसूबे जो किए जा रहे हैं, हमको क्या ज़रूरत है इनके फ़ोन टैपिंग करने की, क्योंकि तो बिना फ़ोन टैपिंग ही जनता में जो बोल देते हैं वही इतना हास्यास्पद होता है कि उसी का जो इनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो हमको इनके अंदर की बातें ज़्यादा निकालने की ज़रूरत होती नहीं है, ये बहुत कुछ वैसे ही बोल जाते हैं। और इस सारी स्टोरी की सत्यता तो ऑथेंटिसिटी तो हम इस बात से ध्यान कर सकते हैं, ये एमनेस्टी संस्था ये इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल संस्था की अपने जो उनके जिसको कहना चाहिए उनकी अपनी विश्वसनीयता उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। एमनेस्टी जब भी भारत में आकर के काम करने लगी तो इनसे पूछा गया कि आप ये सब काम करते हैं आपने सोर्स ऑफ फंडिंग ये बताओ, तो इन्होंने सोर्स ऑफ फंडिंग बताने के बजाय ये कह करके कि भारत में काम करना बड़ा मुश्किल है यहाँ से बिस्तर बोरी लग जाओ, और ये एमनेस्टी बिस्तर बोरिया बांध के चली गई। तो जो संस्था अपने सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं बता सकती उसकी कहानी के ऊपर विश्वास कैसे किया जा सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके सबके तार ऐसी संस्थाओं से जुड़े हैं जो भारत देश की इमेज को खराब करना चाहते हैं। कांग्रेस के ऊपर मेरा सीधा आरोप है, कोई ऐसी बात हमारे खिलाफ कहें, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कहें या केंद्र सरकार के खिलाफ कहें, जिसका कम से कम देश की जो हमारी संप्रभुता है, देश का जो हमारा मान सम्मान है उसका तो ध्यान रखें। कोई अपने देश के अंदर की कोई बातें कह करके अगर कोई आलोचना होती है तो हम सहन भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन बातों को लेकर के हमारे देश की इमेज विदेशों में घटती है ऐसी चीज़ों से इनको सावधान रहना चाहिए, इस प्रकार के खेल ना खेलें वरना देश का अहित होगा, हमारे बारे में विश्वसनीयता ये घटेगी। आज देश दुनिया में किसी एक लेवल पर पहुंचा है वो मोदी जी की नीतियों के कारण से, एनडीए की नीतियों के कारण से हम लोग कहीं पहुंचे हैं, लेकिन उसको धरातल पर न उतरने देने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए जिस प्रकार की कहानियां ये बनाते हैं, तो इन कहानियों को जैसा ये कर रहे हैं इसकी मैं निंदा करता हूं। और कुल मिलाकर के देश की जनता इन बातों को ध्यान रखेगी कि ऐसे किसी विदेशी संस्था के साथ कांग्रेस जो षड्यंत्र करके जिस प्रकार का ये फोन टैपिंग कंट्रोवर्सी को इन्होंने उछाला है, ये सिस्टमेटिक तरीके से भारत की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने का ये काम है, इसकी निंदा हम सब करते हैं। ये आधिकारिक बयान हैं, मेरी जानकारियां ऑथेंटिक जानकारियां हैं, ये सरकार की एजेंसियों के माध्यम से भी जानकारियां हैं, ये वेबसाइट के माध्यम से भी जानकारियां हैं, ये मीडिया के माध्यम से भी जानकारियां हैं, सभी सोर्सेज से जानकारियों के आधार पर मैं कह रहा हूँ। चूँकि जब एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत में आया उनसे भारत सरकार ने पूछा कि आपके सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, उन्होंने बताया नहीं बल्कि अपना बिस्तर बोरी लाद करके चले गए, ये तो फैक्ट है। इस फैक्ट के अंदर मुझे कोई अनुमान नहीं लगाना है,